जनपद संभल के चंदोसी में स्थित एम वर्ड स्कूल के संचालक से मीडिया ने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ सवालों का जवाब किया, जिनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने कोरोना काल में अपने स्कूल स्टाफ को सैलरी देने के साथ समाज के लिए भी कुछ अच्छे कार्य किए, जिनसे आज मीडिया ने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ सवाल किए, जिनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आइए जानते हैं कि एएम वर्ड स्कूल के संचालक अनुप मंगलम ने क्या कुछ कहा। आपको मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड क्यों दिया? देखिए, ये उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड एएम वर्ड स्कूल को मिला है और इसका श्रेय स्कूल के स्टाफ, बच्चे और पेरेंट्स को जाता है। मैं तो केवल उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था। इस अवार्ड के बाद क्या आपकी समाज के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है? देखिए, बच्चों के भविष्य से बड़ी और क्या समाज की जिम्मेदारी होगी। बाकी हाँ, अगर ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और कुछ अच्छा करने की भी इच्छा करती है। अच्छा सर, एक जानकारी दें, आपके हिसाब से स्कूल संचालक की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे सुलेख की एक कॉपी बनवाई गई और हमें अपने स्कूल में लेख सुधार के लिए सुलेख कराया जाता था। लेकिन अब जब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे स्कूल संचालक के रूप में या व्यापारी के रूप में, तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने पिछले 5-7 वर्ष में कोई व्यापारिक या पारिवारिक पत्र लिखा हो। तो स्कूल संचालक की मेरी समझ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को शिक्षा में वो इनपुट दिया जाए जो कि कल को वो अपने भविष्य में जॉब करें या वो अपना व्यापार करें तो उस शिक्षा का, उस इनपुट का वो सही प्रयोग कर सकें। थैंक यू सर। अच्छा, एक जानकारी और दें सर, कोरोना काल में अपने स्टाफ को किस तरीके सहयोग किया आपने? देखिए, एएम वर्ड स्कूल शुरू से ही एक परिवार की तरह काम करता है। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो हमारी सबकी मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि अगर मेरे परिवार में खाना बनेगा, मेरे बच्चे खाना खाएंगे, तो आप सब लोग खाना खाएंगे। तो शुरू में फीस के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे तो मैंने अपनी कुछ संपत्ति भी बेची, उनको सैलरी दी। बाकी तब से लगातार 100% सैलरी मेरे स्टाफ को जा रही है और इस वर्ष मैंने 10% इंक्रीमेंट भी दिया है। लेकिन कुछ महीने पहले वर्ष में थे जब कंप्रोमाइज सैलरी दी गई, बाकी किसी भी टाइम उन्हें सैलरी कम नहीं दी जा रही है और बढ़ाकर दी जा रही है। सरकार ने इस सत्र में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा रखी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता होती है और अच्छे शिक्षक अच्छी सैलरी पर मिलते हैं। तो सरकार अगर फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में कमी आएगी और स्कूल मजबूर होंगे कि वो अच्छे शिक्षकों को छोड़ के थोड़े कंप्रोमाइज शिक्षकों से अपने बच्चों को शिक्षा दें। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान किस तरह की सावधानियां आपके स्कूल में बरती जा रही हैं? इसके लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। उसके तहत जैसे स्कूल अगर रेगुलर खुलते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर बीच में बंद होने का आदेश हो जाता है तो हम अगले दिन ही ऑनलाइन मोड पर अपने स्कूल को ले आएंगे। और मान लीजिए स्कूल खुल रहे हैं, उसमें कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को ना भेजें, तो उन बच्चों की भी पढ़ाई स्कूल की तरह उनके घर पर चलती रहेगी और ये नए सेशन से पूरी तरह लागू हो जाएगा। तो सावधानी के रूप में सबसे पहले तो हमने ये काम किया है कि जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। बाकी जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं वो जब स्कूल चलेगा सैनिटाइजिंग वगैरह के, वो चलते रहेंगे। आप अपने स्कूलों को अन्य स्कूलों से अलग कैसे मानते हैं? अपने स्कूल को मैं अलग ऐसे मानता हूँ कि आप देखेंगे जो पुराने स्कूल हैं 20-30 साल पुराने, वो एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं जबकि दुनिया बदलती जा रही है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम लगातार बच्चों के भविष्य के लिए परिवर्तन करें और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का इम्प्लीमेंट करें। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी स्कूल ने इतने परिवर्तन किए हैं जो हमने अपने स्कूल के अंदर बच्चों के लिए परिवर्तन किए हैं।
सर, जनपद के अन्य विद्यालय संचालकों को आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी विद्यालय अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी कॉपी करनी चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो मैं सभी संचालकों से ये कहना चाहूँगा, अगर एम वर्ड स्कूल अच्छा करता है तो वो उसकी कॉपी करें। और मुझे खुद ये करना चाहिए कि कोई भी विद्यालय अच्छा कार्य कर रहा है तो हम अपने ट्रैक से हटकर वो काम सब बच्चों के लिए करें। सर, भविष्य में शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार हैं? भविष्य में ये बहुत चैलेंजिंग है शिक्षा देना, क्योंकि दुनिया के बदलाव को हम देख रहे हैं। दूसरे भारत सरकार की शिक्षा नीति को देखोगे तो आप कितने वर्षों में वो बदल पाए हैं, और जबकि बहुत सारे देशों तुरंत ही अपनी शिक्षा में परिवर्तन करते जा रहे हैं जैसे जैसे विश्व की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा हम लोगों के लिए और बहुत सोचने का विषय है कि हमें ये दायित्व कैसे निभाना है।